हे दोस्तों, मेरा नाम है प्रभा उर्मलिया और आज मैं यूज करने वाली हूँ ये फेशियल किट। ये फेशियल किट मैंने एमवे से परचेज किया है और ये मुझे काफी अच्छे प्राइस पे मिल गई है, 1700 रुपीज में। और ये फेशियल किट हर्बल है, केमिकल फ्री है और एमवे के सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री ही रहते हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड ये फेशियल किट उन लोगों के लिए है जो कि अपनी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा पोजेसिव है, वुमेन हो मैन हो इसे कोई भी यूज कर सकता है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि स्किन की केयर तो सभी को करनी पड़ती है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फेशियल किट को यूज करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे फेस वॉश भी है, फेस स्क्रब है, एंड देन यहाँ पे मसाज है और फिर यहाँ पे मास्क है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ फेस वॉश से। और मैंने फेस वॉश कर लिया है और अब मैं टॉवल से अपने फेस को ड्राई करूंगी। मेरा फेस ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, तो अब मैं इसका जो सेकेंड स्टेप होता है फेशियल का वो करूँगी, और इसका सेकेंड स्टेप है स्क्रब करना। अब मैं अप्लाई करूँगी ये स्क्रब, एंड ये जो स्क्रब है वो मार्शमेलो रूट एंड लिक्विड रूट एंड राइस ब्रैन इनसे मिलके बना है, और ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, सो विदाउट एनी हेजिटेशन हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्क्रब है उसको बहुत ही ज़्यादा जेंटली एंड स्मूथली अपने फेस पे अप्लाई किया जाता है, और इसी के साथ साथ ये हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और ये एक एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है। इसका मतलब कि ये हमारी स्किन में डीप डाउन जाता है और हमारे पोर्स जो कि ब्लॉक रहते हैं उन्हें ओपन कर देता है एंड हमारी स्किन को अंदर से क्लीन करता है। मैंने अपने फेस पे बहुत अच्छे से इस स्क्रब को अप्लाई कर लिया है एंड ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, सो दैट्स गुड। आई फील मेरा फेस मुझे थोड़ा टाइट सा लग रहा है, सो आप यहाँ पे वाटर का यूज़ करें एंड अच्छे से मिक्स कर लें, और ये जो स्क्रब है वो आपको 2 से 5 मिनट तक यूज़ करना है, और इसके बाद आप अपने फेस को वॉश आउट कर सकते हैं। तो अब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और अब मैं अपने फेस को थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ, जिसके कारण मैं इस फेशियल का थर्ड जो स्टेप अपने फेस पे अप्लाई कर पाऊँ। अब मैंने अपने फेस को अच्छे से ड्राई कर लिया है और अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। इसका नेक्स्ट स्टेप है मसाज क्रीम, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे मैं मसाज क्रीम अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, एंड देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। ये जो फेशियल किट मैं यूज़ कर रही हूँ वो हर्बल है एंड एज लाइक स्क्रब। ये जो मसाज क्रीम है वो भी 3 चीज़ों से ही मिलके बनती है, पहला है लिक्विड, देन मार्शमेलो रूट एंड देन राइस ब्रैन। ओके,
इन तीनों के इंग्रेडिएंट्स, आई मीन मास्क जो मैं नेक्स्ट अप्लाई करने वाली हूँ, इन सब के इंग्रेडिएंट जो है वो सेम है? टेन टू 15 मिनट्स आपको ये मसाज करना है अपने फेस में। आपको बहुत ही अच्छे से मसाज अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे और मसाज करना है। मसाज जब आप करें तो आप याद रखें कि आप सर्कुलर मोशन में करें, और मेनली आपका जो फोकस होना चाहिए वो नोज़ एरिया और लिप्स एरिया में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द डेड स्किन सेल हमारे पाए जाते हैं। सो अगर आप इस मसाज क्रीम का वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और आपको एक बात और यहाँ पे याद रखनी है कि जब आप ये मसाज क्रीम अप्लाई कर चुके हों, उसके बाद आप अपना फेस बिल्कुल भी वॉश मत कीजिएगा। आप किसी भी टिश्यू पेपर या फिर कोई भी टॉवेल से उसे सिंपली क्लीन कर सकते हैं, बट आप अपना फेस बिल्कुल भी वॉश मत करिएगा। मैं इस टॉवल से अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं है। इस फेशियल का अब मैं सबसे फाइनल स्टेप यूज़ करने वाली हूँ, जो कि है मास्क। तो अब मैं अप्लाई करूँगी ये मास्क अपने फेस में और देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये मास्क जो कि मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ, वो मेरे फेस में जितने भी डेड स्किन सेल्स होंगे और जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगी उन्हें हटा देगा। सो डेफिनेटली ये बहुत सही है, एंड ये मेरी स्किन को टाइटन करने में भी हेल्प करता है। ये मास्क भी उन्हीं तीन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके बना है, लिक्विड्स, मार्शमेलो एंड राइस ब्रान। ओके, सो आप ध्यान रखें कि जब आप ये मास्क अप्लाई करें तो आप इसकी थिन लेयर अप्लाई करें एंड लीव ऑन फॉर 10 to 15 मिनट्स। ओके, आप इसे 10 to 15 मिनट्स तक छोड़ दें, एंड उसके बाद आप चाहें तो अपना फेस वॉश कर सकते हैं। जो मास्क मैंने अप्लाई किया था वो आई विश पूरी तरीके से ड्राई हो गया है, तो अब मैं इसे वॉश आउट कर लेती हूँ। और अब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और मैं अपने फेस को टॉवल से ड्राई कर रही हूँ, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये फेशियल करने के बाद। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें तो आपको वो कंफर्टेबल लगना चाहिए, उसे यूज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना।
और एमवे के तो ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो इजी टू यूज़ है, उनमें केमिकल्स नहीं है। तो यस, ये फेशियल किट मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मुझे अपने आप में थोड़ा सा चेंज दिख रहा है मेरे स्किन पे। मैं पहले से ज़्यादा ग्लो कर रही हूँ क्योंकि ग्लो तो मैं पहले भी कर रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऐसे ही कुछ वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।